Hello everyone, you are welcome to class. In this chapter 3, we will cover Aristotle. Aristotle, the most distinguished disciple of Plato, is widely known as the tutor to Alexander the Great. जो Aristotle थे, उन्हें हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि वो tutor थे Alexander the Great के. Aristotle's enormous contribution to the history of thought spans several areas. जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने काफी सारे फील्ड्स में क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिक्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वेरियस ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर कलेक्टेड फ्रॉम नोट्स मेड बाय हिज स्टूडेंट एट द स्कूल एरिस्टोटल एस्टैब्लिश्ड इन एथेंस लाइसियम. तो लाइसियम एथेंस में जो उनका स्कूल था, उसमें उनके स्टूडेंट्स यूजली जो भी लेक्चर एरिस्टोटल दिया करते थे, उन्हें कलेक्ट कर लिया करते थे और उन्हें ही हम आज की डेट में स्टडी कर रहे हैं. उन्होंने काफी सारे फील्ड्स में कंट्रीब्यूट किया है. ही इज बिलीव टू हैव रिटन नियरली हाफ अ डजन क्रिटिकल ट्रीटीज. उन्होंने लगभग हाफ अ डजन क्रिटिकल ट्रीटीज लिखी है, ऑफ विच ओनली टू आर एक्सटेंट, पोएटिक्स एंड रेटोरिक. अब पोएटिक और रेटोरिक जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, सो हम उनके बारे में बात करेंगे. पोएटिक्स डीलिंग विद द आर्ट ऑफ पोएट्री, जो पोएटिक्स है वो पोएट्री से डील करती है. रेटोरिक जो है वो डीलिंग विद द आर्ट ऑफ स्पीकिंग. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पॉइटिक्स है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो उसका सब्जेक्ट मैटर है आर्ट ऑफ पोएट्री. रेटोरिक जो है वो डील करती है आपके आर्ट ऑफ स्पीकिंग से. एरिस्टोटल्स मेटाफिजिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सबस्टांस. जो उनका मेटाफिजिक्स है वर्क, उसमें उन्होंने क्या किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सबस्टांस दिया था, विच कॉम्प्रिहेंड्स द कनेक्शन बिटवीन एग्जिस्टेंस एंड एसेंस. उन्होंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था किस चीज का, एग्जिस्टेंस और एसेंस का. अभी हम जो बेसिक कोर्स कर रहे हैं उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको टर्म्स क्लियर करना मेरा जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों के जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो एक टाइमलाइन है वो आप लोगों को याद हो जाए. हिज स्टडीज ऑन लॉजिक आर बेस्ड ऑफ सिलोलिज्म. जो सिलोलिज्म जो उनका जो स्टडी थी जो लॉजिक का, वो किस चीज पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन सिलोलिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ मेजर प्रेमिस, अ माइनर प्रेमिस एंड कंक्लूजन. तीन चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस और कंक्लूजन एंड एन एनफर्ड. पोएटिक्स, अब अगर हम उनकी पोएटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें, कंप्राइजिंग 26 स्मॉल चैप्टर्स. इसमें आपके कितने 26 स्मॉल चैप्टर्स है. पोएटिक्स गिव्स द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ समरी ऑफ हिज लेक्चर्स टू हिज पीपल पीपल्स रिटन ईदर बाय देम और बाय हिमसेल्फ. तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि जो उन्होंने लिखा है वो पीपल्स के द्वारा, उनके स्टूडेंट के द्वारा कलेक्टेड था या उन्होंने खुद किया था. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपका है कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं. इसमें 26 स्मॉल चैप्टर्स हैं. इट इज इनकम्प्लीट एंड इज मेनली कंसर्न विद ट्रेजेडी व्हिच वाज इन हिज डे द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ पोएट्री. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्रेजेडी फॉर्म था ये काफी पुराना फॉर्म है और जो एरिस्टोटल का टाइम था वो उस टाइम पर ट्रेजेडी क्योंकि सबसे ज्यादा डिवेलप्ड फॉर्म थी, इसलिए ट्रेजेडी के बारे में एरिस्टोटल ने काफी ज्यादा लिखा है. ये जो पोएटिक्स है ये आप लोगों का क्या है, इनकम्प्लीट वर्क है. पोएटिक्स हैज बीन एनालाइज्ड फॉर इट्स स्टडी ऑन ट्रेजेडी, इट्स डिस्टिंक्शंस ऑफ ट्रेजेडी एपिक एंड इट्स कमेंट्स ऑन प्लॉट और कैरेक्टर. यहाँ पर जो पोएटिक्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग टाइप की ट्रेजेडीज के बारे में बात की, ट्रेजेडी को एनालाइज किया, उन्होंने एपिक पोएम के बारे में बताया और एपिक को उन्होंने बेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री भी कहा था. इट्स कमेंट्स ऑन प्लॉट एंड कैरेक्टर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी और इससे काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं. दीज नोशंस ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट रिमेन इन्फ्लुएंशियल टू दिस डे. अगर हम बात करते हैं कि जो भी उन्होंने उसमें कमेंट किया, जो भी लिखा गया, वो इवन आज की डेट में भी लिटरेचर में क्या है, इन्फ्लुएंशियल है, उसका प्रभाव है. सच दैट लिटरेरी वर्क्स आर एनालाइज्ड थ्रू सच कैटेगरीज एज थीम, प्लॉट, कैरेक्टर एंड ऑथोरियल प्रेजेंस इन द टेक्स्ट. तो प्लॉट के बारे में हम बात करते हैं जब भी हम कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लिटरेचर में किसी वर्क को एनालाइज करते हैं. एरिस्टोटल सीज द एपिक पोएट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डायथेरेमिक पोएट्री एंड म्यूजिक आर अलाइक इन दैट
दे ऑल इमिटेट। अब उनका कहने का मतलब ये था कि जो जितनी चीजें हैं, चाहे एपिक पोइट्री हो, ट्रेजिडी हो, कॉमेडी हो, डायथेरेमिक पोइट्री हो और म्यूजिक हो, ये सारी चीजें एक जैसी हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। दे डिफर इन मीडियम, लेकिन ध्यान दे कि यहां पर क्या कर रहे, क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके बीच का अगर हम डिफरेंस अगर देखने की काम करें तो उसमें क्या है, मीडियम, ऑब्जेक्ट और मैनर ऑफ इमिटेशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि काम तो सभी क्या कर रहे हैं, इमिटेट करने का कर रहे हैं, लेकिन मैनर ऑफ इमिटेशन उनका डिफरेंट होता है। बट ही मेंटेन्स दैट गुड आर्ट इज नीदर यूजलेस नॉट डेंजरस। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी एक आर्ट होती है, एक अच्छी आर्ट होती है, वो क्या है, यूजलेस नहीं है और डेंजरस नहीं है। अगर हमें एरिस्टोटल, प्लेटो, इनके बारे में बहुत अच्छे से, हम इन्होंने क्या क्या चीजें कही लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में, अगर हमें वो चीजें अच्छे से याद रहती है, तो आगे हम इवन मॉडर्न डे के जितने लिटरेचर हैं या जितनी थ्योरीज बाद में कही गई हैं, उनको समझने में आसानी होती है। इसलिए अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर लें या एक फ्रेम बना लें अपने माइंड में, कि जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बात की चीजें समझ में आए। क्योंकि जब कमेंट्स आते हैं कि हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म या थ्योरीज समझ नहीं आती है, तो उसका एक बेसिक रीजन ये भी होता है कि हमें बहुत सारी जो थ्योरीज हैं उनके बीच का कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। जब कनेक्शन नहीं बना पाते हैं तो हम फिर बाद में समझ नहीं पाते हैं कि इनके बीच में कोरिलेशन क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो वो सारे जितने वर्क हैं, चाहे वो पोइट्री है, ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, म्यूजिक है, डायथेरेमिक पोइट्री है, ये सारी चीजें क्या है, उन्होंने कहा कि सारे के सारे अलाइक है, एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? क्योंकि ये इमिटेट करते हैं। डिफरेंस किस चीज से आता है? मैनर ऑफ इमिटेशन से, मीडियम से और ऑब्जेक्ट से। और यहां पर उन्होंने एक बात कही इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गुड आर्ट इज नीदर यूजलेस नॉट डेंजरस बट नेचुरल एंड बेनिफिशियल। एरिस्टोटल्स डिफेंस ऑफ आर्ट, उन्होंने, अगर हम प्लेटो की बात करें तो उन्होंने क्योंकि इमिटेशन वर्क को उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया था, तो यहाँ पे उन्होंने डिफेंस ऑफ आर्ट अगर हम देखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन्वॉल्व इन एरिस्टोटल्स डिफेंस ऑफ आर्ट इज इज रिजेक्शन ऑफ प्लेटोज ड्यूअलिज्म। प्लेटो का जो ड्यूअलिज्म था उसको उन्होंने क्या कर लिया था, रिजेक्ट कर लिया था। प्लेटो बिलीव्ड इन माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म एंड एम्फेसाइज्ड दैट माइंड इज सुपीरियर टू बॉडी। प्लेटो ने क्या कहा था कि जो माइंड है वो आपका सुपीरियर टू बॉडी है। इसी को क्या कहा गया है, ड्यूअलिज्म कहा गया है। तो आगे अगर कहीं पर ड्यूअलिज्म वर्ड आता है, प्लेटोज ड्यूअलिज्म वर्ड आता है, तो आपको क्लियरली ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर आपको प्लेटो का ड्यूअलिज्म समझ में ना आए तो फिर उससे होगा क्या कि आपको आगे की जो थ्योरी है वो समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि माइंड और बॉडी क्या है, अलग अलग है, और जो माइंड है वो क्या है, बॉडी से ज्यादा सुपीरियर है। बट फॉर एरिस्टोटल मैन इज नॉट एन एम्बिडाइट इंटेलेक्ट लॉन्गिंग फॉर द स्पिरिचुअल रिलीज ऑफ डेथ बट रादर एन एनिमल विद अमंग ऑल अदर फैकल्टीज द एबिलिटी टू यूज रीजन एंड टू क्रिएट। तो जो इंसान है उसके अंदर क्या है, दोनों चीजें हैं, रीजन एंड टू क्रिएट। सो ही हैज एबिलिटी टू यूज रीजन एंड टू क्रिएट। येट अनदर फीचर इज हिज रिजेक्शन ऑफ प्लेटोज रैशनलिज्म। अब प्लेटो का जो रैशनलिज्म था उसे भी उन्होंने रिजेक्ट किया है, प्लेटो का जो ड्यूअलिज्म है उसे भी क्या कर लिया। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वी मस्ट स्टडी ह्यूमंस एज वी वुड स्टडी अदर एनिमल्स टू डिस्कवर वट देयर नेचर इज। अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें क्या करना है, इंसान को भी अदर एनिमल्स की तरह ही क्या करना है, डिस्कवर करना है, जिससे कि हमें उनके नेचर के बारे में पता चले। वी शुड लुक अमंग द स्पीसीज एंड सी हु आर थ्राइविंग एंड सक्सेसफुल एंड इन वट एक्टिविटीज डू दे एंगेज। कि हमें देखना है कि जो जितने एनिमल्स हैं उन वो किस 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 एक्टिविटीज में इंगेज हैं। दिस इज द वे टू डिटरमाइन वट इज एंड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द ह्यूमन एंड ह्यूमन सोसाइटीज। तो इससे हमें पता चलेगा कि ह्यूमन और ह्यूमन सोसाइटीज के लिए कौन सी चीजें अप्रोप्रिएट नहीं है। अलोंग विद द रिजेक्शन ऑफ प्लेटोज ड्यूअलिज्म एंड रैशनलिज्म। देखिए, उन्होंने दो चीजों को रिजेक्ट किया था, ड्यूअलिज्म और रैशनलिज्म, एज अगेंस्ट सेंसुअल नॉलेज।
Aristotle strongly regarded mimesis as having some intellectual element in it, not blind. अब देखिए mimesis को ही क्या कहा जाता है, imitation कहा जाता है, okay? और blind mirroring. और इसे एक blind mirroring या blind imitation भी उन्होंने नहीं माना. Underlying Aristotle argument in poetics are the principle of empirical method, acceptance of plurality and the principle of modern moderation. To these, we might add the notion of unity, probability, necessity, rationality, universality, and truth. All these notions, together with Aristotle's ethical and political principle, define his characteristics of good literature. तो ये सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए, किसी वर्क में होनी चाहिए, unity and probability, necessity, rationality, and universality and truth. ये सारी चीजें अगर हमें किसी लिटरेचर में मिलती हैं, so he calls that literature good, good literature. The issues at stake here include the meaning and desirability of realism, presentation of character, use of detail, use of language, and the way in which various components of literature, literary work are mutually integrated and harmonized. Art is not useless. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि Aristotle ने क्या-क्या चीजें कहीं और डिफेंस उन्होंने किस किस चीज के लिए कहा. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आर्ट इज नॉट यूजलेस, इट इज नेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग टू इमिटेट. और उन्होंने कहा कि ये अननेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो इमिटेट करते हैं चीजों का, सिंस इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. और ये भी क्या है, इमिटेशन करना भी एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है. एनी ह्यूमन सोसाइटी विच इज हेल्दी विल बी अ सोसाइटी वेयर देयर इज इमिटेटिव आर्ट, सेज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल के हिसाब से जो इमिटेशन है वो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है और ये बुरा नहीं है. जबकि प्लेटो के केस में हमने पढ़ा, पीछे हमने देखा कि प्लेटो ने इमिटेशन को क्या माना था, यूजलेस माना था. इसीलिए उसने पोएट्री को भी क्या माना, यूजलेस माना था. इन हिज व्यू आर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एनी एजुकेशन, since it uses and encourages the imaginative manipulation of ideas, as nothing is more natural than for human being to create using their imagination. जब आपको ये सारी सारे arts, सारे जो thoughts हैं, चाहे वो Aristotle के हों, चाहे वो Plato के हों, तब आपको Sydney ज़्यादा clear समझ में आएगा. Since art is imitation, it is an imaginative use of concept. आर्ट क्या है, एक इमिटेशन है और ये इमेजिनेटिव यूज ऑफ कॉन्सेप्ट भी है. हेंस एट इट्स हार्ट आर्ट इज कंसेप्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल. आर्ट इज नॉट डिसेप्टिव. आर्ट क्या नहीं है, डिसेप्टिव नहीं है. आर्टिस्ट पोर्ट्रेट अकॉर्डिंग टू रियलिटी टू द एरिस्टोटल मस्ट एक्यूरेटली बी सक्सेसफुल. दैट इज इन ड्रामा साइकोलॉजिकल रियलिटी मस्ट बी एक्यूरेटली portrayed in order for the character to be believable and their actions understandable. Also, he says that art teaches effectively and it teaches the truth. जो art है वो क्या करती है, effectively teach करती है और ये truth को क्या करती है, हमें सच्चाई सिखाती है. For example, drama is convincing and powerful because it reveals the truth of human nature. जो ड्रामा है, ड्रामा को उन्होंने ऊपर की कैटेगरी में रखा था और ये कन्विंसिंग होता है जब हम कोई ड्रामा देखते हैं. और ये एक पावरफुल टूल भी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन नेचर क्या है. ही इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरिस्टोटल की थ्योरी में. यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक यूनिटी के बारे में उन्होंने बात की थी. विच इज द आइडिया दैट इन एनी गुड वर्क ऑफ आर्ट ईच ऑफ द पार्ट्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल सक्सेस ऑफ द होल. तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो भी आर्ट हो उसमें जितने भी पार्ट हैं वो सभी को जो कंप्लीट वर्क है उसके सक्सेस में सभी का हाथ होना चाहिए. जस्ट एज द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होता है, ईच पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द क्रिएचर. जैसे कि पूरी बॉडी होती है तो बॉडी में क्या होता है, सारे पार्ट मिलकर इस बॉडी को क्या करते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं. तो यही उन्होंने कहा कि एक जो ड्रामा है उसमें ड्रामा हो या कोई स्टोरी हो, वैसे उन्होंने ड्रामा या पर्टिकुलरली उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में ये बातें कही थी और ट्रेजेडी भी एक तरह का ड्रामा ही है. तो
ट्रेजेडी के बारे में उन्होंने कहा था या ड्रामा के बारे में उन्होंने कहा था कि इसमें ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए। जिस तरह की बॉडी में हमें क्या मिलता है, सारी चीजें एक साथ होती हैं। सो टू इन गुड वर्क ऑफ आर्ट ईच एलिमेंट मस्ट कंट्रीब्यूट टू दी थीमेटिक डिवेलपमेंट। दिस इज अनदर वे इन विच अ वर्क ऑफ आर्ट रिफ्लेक्ट्स और इमिटेट रियलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ड्रामा है, ट्रेजेडी है, उसमें भी क्या हो रहा है, ये इमिटेट करता है रियलिटी को। यूनिफाइड एक्शन इज डिफाइंड बाय एरिस्टोटल एज वन दैट विद इट्स, जब वो अगर हम यूनिफाइड एक्शन की बात करें, देखिए ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। यूनिफाइड एक्शन हो गया, ऑर्गेनिक यूनिटी क्या थी, इसके बारे में उन्होंने क्या बात की थी, और प्लेटोज ड्यूअलिज्म क्या था, रेशनलिज्म क्या था, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेंसुअस आर्ट इज नॉट बैड थिंग। यहाँ पे जो एरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि जो सेंसुअस आर्ट है वो अच्छी बुरी चीज नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि प्लेटो ने जो भी बातें कही थी, उसके उसको डिफेंड कर रहे हैं, या डिफेंड नहीं, उसके अपोजिट में बहुत सारी चीजें हैं एरिस्टोटल कहते हैं। तो आइडिया अगर आपको एरिस्टोटल प्लेटो के बारे में पता है तो आप एरिस्टोटल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में जानने की कोशिश की थी। एरिस्टोटल डिड नॉट बिलीव दैट द माइंड वाज वन थिंग एंड द बॉडी वाज समथिंग एल्स, एंड देयरफॉर एरिस्टोटल डिड नॉट हैव द बायस अगेंस्ट फिजिकल प्लेजर दैट प्लेटो डिड। जो प्लेटो थे उन्हें फिजिकल प्लेजर से वो बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखते थे, जबकि यहां पर क्या है, एरिस्टोटल के केस में ये नहीं है। The only way of acquiring knowledge at all, according to Aristotle, was through the senses, and so developing, exercising, and sharpening those senses throughout was a healthy thing to do. So, according to Aristotle, he is saying that using our senses or developing them is a good thing, not like Plato. Art was not solely concerned with the sensual pleasure, but rather was or should be an intellectual and conceptual affair as well. So art is not only sensuous, it is also conceptual thing and intellectual thing. It is tied to morality and truth. So he is talking about good art. Okay, like this, Plato says that poets are breeders of lies, okay? But here, Aristotle is saying, or he says, good art is tied to morality and truth. According to Aristotle, successful tragic drama always teaches morality. If we are going through tragic drama, agar hum tragic drama ke bare mein baat kare, to kya karega, aapko morality sikhayega. He believed that drama imitated not only events, but actions. जो ड्रामा है वो क्या करता है, एक्शन को भी क्या करता है, इमिटेट करता है। एज सच दे इमिटेटेड इंटेंडेड बिहेवियर, साइकोलॉजिकल फोर्सेस एंड द अनसीन इनर लाइफ ऑफ अ पर्सन। ही अनविलिंगली सेट अप टू फंक्शंस ऑफ अ वर्क आर टू फुलफिल। अब उन्होंने अनविलिंगली क्या किया कि यहाँ पर दो चीजें उन्होंने, दो फंक्शन उन्होंने आर्ट के बताए। वन इज टू इमिटेट नेचर्स परसेप्चुअल डिटेल एंड टू इमिटेट नेचर्स ऑर्गेनिक यूनिटी। दो चीजें, नेचर की जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यूनिटी है, जैसे कि बॉडी का उन्होंने क्या किया था, एग्जाम्पल दिया था कि पूरी बॉडी के जितने पार्ट हैं वो अलग अलग क्या करते हैं, एक सक्सेसफुल बॉडी के लिए जरूरी है। तो उसी तरह से एक ऑर्गेनिक यूनिटी किसी भी वर्क में, ट्रेजेडी में, ड्रामा में होनी चाहिए। और इमिटेट नेचर्स परसेप्चुअल डिटेल्स। एरिस्टोटल एग्रीड दैट आर्ट डिड स्टॉप नेगेटिव इमोशन। एरिस्टोटल ने ये भी कहा या इस चीज के लिए एग्री थे कि आर्ट जो है वो नेगेटिव इमोशन को भी स्टॉप करती है। बट ही क्लेम्ड इट देन पोज्ड दोज इन हार्मलेस हेल्थी वे। लेकिन क्या है कि लेकिन इसको एक क्लियर भी करती है, और एक हार्मलेस और हेल्थी वे में। दिस लेड टू द प्रिंसिपल ऑफ कथारसिस। यहां से जो वर्ड कथारसिस है, ध्यान दीजिए कि एरिस्टोटल ने कथारसिस वर्ड खुद से इन्वेंट नहीं किया था, उसको बाद में एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे
पर्ज वर्ड यूज आप कर सकते हैं कि जो है जो इमोशन है उसका पर्ज किया जाता है, कथार्सिस। अब कथार्सिस वर्ड को देख लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। कथार्सिस मीनिंग प्यूरिफिकेशन इन ग्रीक। जो कथार्सिस है उसे अगर ग्रीक लैंग्वेज में देखा जाए तो उसका मीनिंग जो होता है वो प्यूरिफिकेशन होता है। इट इज बोरोड फ्रॉम मेडिकल टर्मिनोलॉजी बाय एरिस्टोटल टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ट्रेजरी। अब क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे कि हमने पीछे देखा कि एरिस्टोटल ने बहुत सारे और भी सब्जेक्ट मैटर पे बात किया, उनको इन चीजों का नॉलेज था, तो इसलिए एरिस्टोटल ने क्या किया, एक्सप्लेन किया फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी को एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी से। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या थी आप लोगों की, कैथारसिस। लेट्स वेट अ लिटिल बिट, इट इज लैगिंग बिहाइंड। ओके, नाउ नाउ वी कैन गो थ्रू अगेन। ही स्टेट्स दैट द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज टू अराउज पिटी एंड फियर। उन्होंने कहा कि जो ट्रेजेडी का पर्पस है वो क्या है, उसे पिटी और फियर को बाहर लाना है, एंड देयर बाय अफेक्ट द कथार्सिस ऑफ दीज इमोशन। सो उन्होंने एक वर्ड यूज किया वहां पर, कथार्सिस। ओके, अब उन्होंने ये कथार्सिस वर्ड कहां से लिया, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से लिया ये वर्ड। आप लोगों को ये जो नोट्स हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और किस सेंस में यूज किया उन्होंने, प्यूरिफिकेशन के ही सेंस में उन्होंने यूज किया था, क्योंकि कथार्सिस का मीनिंग क्या होता है ग्रीक में, प्यूरिफिकेशन होता है। The interpretation generally accepted is that through experiencing fear vicariously in a controlled situation, the spectator's own anxiety are directed outwards, and through sympathetic identification with the tragic hero, his insight and outlook are enlarged. अब होता क्या है कि जब हम किसी ट्रेजेडी को देखते हैं तो वहां पर जो हीरो है उस हीरो के साथ में जो भी कुछ होता है उस इमोशन के साथ साथ हम क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब हम उन चीजों से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और वो जो एंग्जाइटी है उस एंग्जाइटी को हम भी फील करते हैं। अब क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में ये सारी चीजें होती है, तो ये जो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ट्रेजेडी देन हैज अ हेल्दी एंड ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑन स्पेक्टेटर और द रीडर। और जो स्पेक्टेटर और रीडर है उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। एरिस्टोटल्स ऑब्जर्वेशन ऑन ट्रेजेडी। अब अगर हम ट्रेजेडी के बारे में बात करें तो पोएट्री बीइंग एन इमिटेटिव आर्ट कैन इमिटेट टू काइंड्स ऑफ एक्शन। अब पोएट्री जो थी वो क्या है, दो तरह का इमिटेशन का वर्क करती है, द नोबल एक्शन ऑफ गुड मैन और द मीन एक्शन ऑफ बैड मैन। दो तरह के एक्शन को कॉपी कर सकती है या इमिटेट कर सकती है। फ्रॉम द फॉर्मर वॉज बॉर्न द एपिक। उससे क्या होता है, जब किसी अच्छे इंसान का नोबल एक्शन को हम इमिटेट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे एपिक फॉर्म ऑफ पोएट्री बनती है। एंड फ्रॉम द लेटर द सटायर। और जो लेटर है जो दूसरा था मीन एक्शन ऑफ अ बैड मैन, उससे किस क्या बनता है, उससे सटायर बनता है। फ्रॉम दीज इन टर्म अरोज टर्न अरोज ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। और इसी से क्या है, ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों बनती है। ट्रेजिडी बियर्स द सेम रिलेशन टू द एपिक एज कॉमेडी टू सटायर। और इसीलिए उन्होंने ट्रेजिडी को सबसे ऊपर रखा था। अब आप लोगों को इससे काफी अच्छा समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया था, जो ट्रेजिडी था उसे ऊपर क्यों रखा था, क्योंकि जो ट्रेजिडी है वो क्या कर रही है, नोबल एक्शन ऑफ अ गुड मैन इसको इमिटेट कर रही है। और जो सटायर है, सटायर किससे रिलेटेड है, वो आप लोगों का क्या है, कॉमेडी से रिलेटेड है। और इसलिए और जो सटायर था वो क्या कर रही है, मीन एक्शन ऑफ बैड मैन। इट फॉलोज देयरफोर दैट द एपिक एंड ट्रेजेडी आर सुपीरियर टू सटायर एंड कॉमेडी। अब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, थर्ड पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं यहां पर, इट फॉलोज देयरफोर दैट द एपिक एंड ट्रेजेडी आर सुपीरियर टू सटाया एंड कॉमेडी। और इसीलिए उन्होंने जो एरिस्टोटल के बारे में बोला जाता है, उन्होंने जो एपिक एंड ट्रेजेडी है उसे क्या किया है,
सटायर और कॉमेडी से ऊपर रखा था, विच कंसर्न देमसेल्व्स विद द मीन एक्शन ऑफ लो मैन। और जो सटायर और कॉमेडी है वो क्या करेंगे, मीन एक्शन ऑफ लो मैन, इस चीज को क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, एपिकॉट ट्रेजडी को ऊपर रखा है। ट्रेजडी इज सुपीरियर टू एज इट हैज ऑल द एपिक एलिमेंट इन शॉर्टर कंपास। और जो ट्रेजडी है उसमें एपिक के सारे गुण होते हैं, इसलिए क्योंकि वो शॉर्टर कंपास में हम देखते हैं उसे, शॉर्टर टाइम पीरियड में, विद मोर ओवर म्यूजिक एंड स्पेक्टिकुलर इफेक्ट्स इफेक्ट्स व्हिच द एपिक डज नॉट हैव इज बीइंग मोर कॉम्पैक्ट इन डिजाइन। एरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजडी, जो एरिस्टोटल की डेफिनेशन है वो क्या है, ट्रेजडी सेज एरिस्टोटल इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। उन्होंने ट्रेजडी की पूरी डेफिनेशन बताई थी, उन्होंने कहा था है इसका जो एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एंड कंप्लीट से मतलब था उनका कि इसमें थ्री पार्ट उसके होने चाहिए, स्टार्टिंग मिडिल एंड 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 ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और इसमें एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले in the form of action, not of narrative. Through pity and fear, affecting the proper progression of these emotion. और pity और fear की वजह से क्या होना चाहिए, proper progression हो जाना चाहिए emotions का। Six constituent element, उन्होंने छह part बताए थे किस चीज के, tragedy के। उसमें पहला था plot, दूसरा character, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल। प्लॉट और अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट इन द चीफ पार्ट ऑफ द चीफ पार्ट ऑफ ट्रेजडी। जो प्लॉट है, प्लॉट या उसको हम कहें अरेंजमेंट, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजडी का, इसी को उन्होंने सोल ऑफ ट्रेजडी भी कहा। एक्शन इंस्यूज फ्रॉम कैरेक्टर विच इज मोल्डेड बाय थॉट विच रिवील्स इटसेल्फ इन डायलॉग इन डिक्शन language embellished with ornaments such as songs, finally spectacle stage presentation which is least connected with the poetry adds to the power of tragedy. Three unities, अब हम जो पीछे three unities के बारे में उन्होंने बात की वो कौन कौन से थे, plot being the soul of tragedy, plot को उन्होंने क्या कहा, soul of tragedy कहा, the artistic arrangement of its incidents is of the prime importance. यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, आर्टिस्टिक अरेंजमेंट है या प्लॉट है वो क्या है, बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस है। इट शुड हैव यूनिटी ऑफ एक्शन, इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, और ओनली दोज एक्शंस इंटीमेटली कनेक्ट विद वन अनदर एंड अपीयर्स टूगेदर एज वन होल, यूजली एक्शंस कंसर्निंग वन मैन। एरिस्टोटल मेंशंस द यूनिटी ऑफ टाइम, उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम की बात की थी, casually and only once, which is the conformity between the time taken by the events of the play and taken in their representation on stage. कहने का मतलब ये है कि जो play है उसका जो event का time है और जो उसका representation है, दोनों में unity होनी चाहिए। Unity of place में for a good tragic plot to arouse the emotions of pity and fear in the spectator or the reader. अगर हमारे पास में यूनिटी ऑफ प्लेस नहीं है तो हम अच्छे तरीके से जो इमोशंस है उन्हें अराउज नहीं कर पाएंगे। देयर आर टू वेज इन विच दीज इमोशंस मे बी अराउज, अब दो तरीके उन्होंने बताए कि किस तरह से किया जाता है। स्पेक्टिकुलर मीन्स सच एज फिजिकल टॉर्चर, पिटियस लैमेंटेशन, बैगली अपियरेंस, जैसा कि हम टेम्बलिन में देख चुके हैं। अगर आपको टेम्बलिन की पूरी स्टोरी नहीं पता तो आप चैनल पर देख सकते हैं। The inner structure of the plot, और जो inner structure है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो feeling है उनको rouse कर सकते हैं। Such as brother unknowingly killing a brother and discovering the fact later, और बाद में उसे पता चले, और intending good and doing evil, मतलब उसकी खुद की इच्छा, जैसे हम देखते हैं कि कई बार जो hero है वो बहुत अच्छा कुछ करना चाह रहा है लेकिन उससे क्या हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, ठीक है। ऐसा आपको शेक्सपियर के जैसे ओथेलो वाले में आप लोग इसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, अगर आपको ओथेलो की इफ यू नो द स्टोरी ऑफ ओथेलो वेरी वेल।
इट इज द लेटर मोड दैट इंडिकेट्स अ सुपीरियर पॉइंट, और यहाँ पर हमें सुपीरियर पॉइंट अगर देखना है तो अगर फैक्ट को डाल लेता है या यूज कर लेता है ट्रेजरी में, विल कॉल हिम अ सुपीरियर पॉइंट। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। अब प्लॉट के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने दो तरह के प्लॉट्स बताए, पहला है सिंपल प्लॉट, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स प्लॉट। इन अ सिंपल प्लॉट देयर आर नो पजलिंग सिचुएशंस पर्टिकुलर एंड एंटर इनटू अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। इन पेरिपेशिया, उन्होंने एक वर्ड यहां पर यूज किया पेरिपेशिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एंड एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस इज मींस डिस्कवरी, द टू पार्ट्स ऑफ प्लॉट। हियर कॉम्प्लिकेशन एंड डिनुमा। फर्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन, टाइंग द नॉट, एंड डिनुमा, अनटाइंग द नॉट। तो उन्होंने दो तरह के प्लॉट के बारे में बात की है, सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट के बारे में। ट्रेजिक हीरो के बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग द ट्रेजिक हीरो शुड बी अ कैरेक्टर ऑफ नोबल स्टेचर, हैविंग हाई पोजिशन इन द सोसाइटी। फिर से ऑथेलो का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑथेलो हियर। एंड ऑथेलो क्या था, एक अच्छे खासी रैंक पे होता है, और अगर ट्रेजिक हीरो क्या है, एक बहुत अच्छी रैंक पे नहीं है, ठीक है, आप जूलियस सीजर को देख लीजिए, एक अच्छी रैंक पे होना जरूरी है उसका, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अगर अच्छी रैंक पे नहीं होगा तो उसका फॉल जो होगा वो बहुत अच्छे से हम देख नहीं पाएंगे। ही मस्ट बी मैन हु इज नॉट एमिनेंटली गुड एंड जस्ट, येट हुज मिसफॉर्चून इज अबाउट नॉट बाय वाइस और डिप्रेविटी बट सॉरी, येट हुज मिसफॉर्चून इज ब्रॉट अबाउट नॉट बाय वाइस और डिप्रेविटी बट बाय सम एरर और फ्रेल्टी। ध्यान दीजिए कि उसका जो फल हमें मिले वो कैसे मिले, एरर और फ्रेल्टी से, उसकी किसी गलती की वजह से उसका फॉल हो। और इसी को उन्होंने कहा एरर और फ्रेल्टी। यहाँ पे उसका जो टेक्निकल नेम है वो क्या है आप लोगों का, हमार्सिया। तो सारे आप लोगों को वर्ड्स धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे, और किस किन केसेस में उनका यूज हुआ है वो क्लियर हो रहा होगा। और एरर इन जजमेंट। फॉर एरिस्टोटल कैरेक्टर इज व्हाट डिटरमाइंस मॉरल चॉइस, ही इवन क्लासिफाइज जेनर्स यूजिंग दिस प्रिंसिपल। ट्रेजिडी इमिटेबल कैरेक्टर, ट्रेजिडी जो है वो किसको इमिटेट करेगी। देखिए यहां पर इमिटेशन तो हो रहा है, आर्ट में इमिटेशन। देखिए एक बार अगर हम शॉर्ट में देखें तो प्लेटो ने कहा कि इमिटेशन बुरा है, एरिस्टोटल ने कहा इमिटेशन इज गुड। इमिटेशन का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है हर वर्क में, और इमिटेशन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है, अच्छा है। ट्रेजिडी इमिटेट कर रही है किसको, नॉबल कैरेक्टर को। एंड कॉमेडी इमिटेट्स बेस कैरेक्टर, और कॉमेडी क्या करती है, बेस कैरेक्टर को इमिटेट करती है। पीछे हम इन चीजों के बारे में देख चुके हैं। ट्रेजिडी एज सुपीरियर टू एपिक, यहाँ पे फिर से हम वही बात करेंगे, फिर से हमने इसको ऑलरेडी पीछे देखा कि ट्रेजिडी जो थी उन्होंने कहा कि ये ऊपर है। मिमेसिस के बारे में उनका जो आइडिया था उसके बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ मिमेसिस इज एन एस्थेटिक टर्म इज प्लेटोस इन द पोएटिक्स, इट एज अ डेरोगेटरी टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग द पोएट्स काउंट ऑफ ए क्रिएशन। यहाँ पर सबसे पहले जो मिमेसिस वर्ड था वो एक डेरोगेटरी टर्म की तरह यूज हुआ था, मीन्स डेरोगेटरी रिमार्क, एक बैड रिमार्क की तरह यूज किया था। किसने, प्लेटो ने, क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि मिमेसिस इमिटेशन इज बैड, विच रिफ्लेक्ट्स एंड मिमिक द ट्रांसिएंट अपियरेंस ऑफ दिस वर्ड। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पूरी तरह से बात कर चुके हैं कि प्लेटो ने क्या कहा था कि जो इमिटेशन है वो क्या है, कि जो एक एक्चुअल चीज है उसका इमिटेट हम कर रहे हैं, सो वो रियलिटी से दूर होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन इज सेंट्रल टू एरिस्टोटेलियन लॉजिक, इवन एज इट टू प्लेटोनिक। ये जो था, जो आइडिया था इमिटेशन का वो क्या था आपका, वो था तो प्लेटोनिक आइडिया, बट इसे हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक से भी देख सकते हैं, बट विद एरिस्टोटेलियन इमिटेशन एंड एसेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब हम बोलते हैं एरिस्टोटल का जो इमिटेशन है और प्लेटो का जो इमिटेशन था, प्लेटो का जो इमिटेशन था वो डेरोगेटरी रिमार्क की तरह उन्होंने मिमेसिस को यूज किया था, लेकिन एरिस्टोटल का जो इमिटेशन है वो इमिटेशन को बुरा नहीं कहते हैं।
Aristotelian logic combines a sense of the literary work as the representation of some pre-existent reality with a sense of work itself as an object, not merely a reflecting surface. तो यहाँ पर अगर हम इनडेप्थ देखें तो एरिस्टोटल ने इमिटेशन के बारे में कहा कि ये एक हायर कैपेबिलिटी है ह्यूमन बीइंग की, जिससे कि वो उसमें लॉजिक क्या कर लेता है, सेंस लॉजिक, उन्होंने कहा कि एक सेंस ऑफ लिटरेरी वर्क का भी क्या हो जाता है, आ जाता है यहाँ पर, जस्ट मेरली एक हम कहें कॉपी करना किसी का काम नहीं है। अगर हम आर्ट के बारे में बात करें तो उसमें काफी सारी चीजें एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग होती हैं, मींस हम अपना जो डेवलपमेंट है एज ए ह्यूमन बीइंग हम वो भी डेवलप कर सकते हैं। द पोएट इज नॉट सब्जर्वेंट टू द इरेशनैलिटी ऑफ द एक्चुअल, द प्ले और पोएम हैज इट्स ओन नेचुरल फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटस। इन द पोएटिक्स ट्रेजेडी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, इट ग्रोज अचीव्स इट्स प्राइम एंड डिकेज। The poet imitates best by allowing the work to achieve its own fitting normal excellence. The value of Aristotle's criticism. अगर हम Aristotle के criticism की value देखें, Aristotle's approach to literature is that of scientist. जो Plato की थी वो just उन्होंने अपने ideas दिए लेकिन उसके पीछे कोई भी चीज proof नहीं की थी, लेकिन Aristotle एक हम कहें कि उसके पीछे एक scientist का की अप्रोच भी हमें देखने को मिलती है। एरिस्टोटल वांटेड लिटरेचर टू बी एन आर्ट एंड नॉट टू डू द वर्क ऑफ मॉरलिटी, और एरिस्टोटल को एरिस्टोटल कहीं ना कहीं एस्थेटिक प्लेजर के अलावा एक उसको आर्ट की तरह देखता था, आर्ट को आर्ट की तरह देखता है। तो बाद में देखिए हमें बाद में आर्ट फॉर आर्ट से एक वगैरह चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसमें भी एरिस्टोटल का क्या है हम कह सकते हैं कि एक आइडिया है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल का एक इन्फ्लुएंस है ये कह सकते हैं। ही पॉइंट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पोएट्री, उन्होंने कहा एक डिफरेंस भी उन्होंने हमें बताया पॉलिटिक्स के बीच में। पॉलिटिक्स इज अ सोशल साइंस, देयरफॉर इट शुड बी जस्ट बाय द कंट्रीब्यूशन इट मेक्स टू सोशल वेलबींग, और पॉलिटिक्स ये क्या है, एक सोशल साइंस है। पोएट्री on the other hand should be judged by its capacity to please the audience, aur poetry ka ek kaam kya hai wo hai aapka pleasure dena, aesthetic quality. He judges literature by aesthetic standard alone, aur unhone kaha ki unhone literature ko kisse judge kiya, sirf aesthetic standards se hi unhone isko judge kiya tha. Unlike Plato, he does not regard poetry as twice removed from reality. Unhone जैसा कि प्लेटो ने कहा था कि जो पोएट्री है वो ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है। ही कंसिडर्स द रिप्रेजेंटेशन इन पोएट्री एज ट्रू टू द फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और उन्होंने इसे जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। ही पॉइंट्स आउट इट्स कैपेसिटी टू सी द परमानेंट फीचर्स ऑफ लाइफ, ही सजेस्ट व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट कैरेक्टर स्टाइल विल इंटरेस्ट द स्पेक्टेटर, मीन्स एक साइंटिफिक स्टडी हम इसके पीछे देख सकते हैं। ही फाइंड्स दैट पेरिपेशिया एंड एनाग्नोरिसिस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एलिमेंट इन द ट्रेजिक प्लॉट, हमार्शिया इन द ट्रेजिक हीरो एंड मेटाफोर इन स्टाइल, ट्रेजिडी कॉमेडी इपिक आर ऑल इन दिस वे कंसिडर्ड विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द स्पेक्टेटर। पोएटिक्स डील विद विद द आर्ट ऑफ पोएट्री many more problems of literature and has therefore attracted greater attention than any other work of criticism. So with this we have gone through the ideas by Plato and Aristotle. Now hopefully you have got the idea, a clear idea about Aristotle and Plato both. Now we will discuss in next video about Horace. If you like the work, just thumbs up and share it with others, and if you wish to join the complete course you can contact us on WhatsApp and we will make you join there. See you soon, bye bye, take care.